अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं नॉलेज इज पावर यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो जॉब पोर्टल से जॉब अपडेट लेके आया हूं, ये अनाउंस की गई है पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की तरफ से, और ये डिफरेंट पोस्ट के ऊपर है जैसे कि कंप्यूटर असिस्टेंट, इसके अलावा वेटरनरी असिस्टेंट और डिफरेंट और भी पोस्ट हैं, स्वीपर वगैरह की भी, कुक की भी, इनके ऊपर जॉब्स अनाउंस की गई हैं। इनकी डिटेल आज आपके साथ शेयर करूंगा कि किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह अप्लाई करना है और लास्ट डेट क्या है, सारी डिटेल शेयर कर दूंगा आज की इस वीडियो के अंदर। तो जरूर देखते रहिएगा इस वीडियो को एंड तक। वीडियो की तरफ मूव करने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो रेड आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको डेली आने वाली इस तरह की लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले मिल जाए करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जॉब अपडेट। जी व्यूअर्स, हम आज के कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर तो आप देख सकते हैं पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की तरफ से जॉब्स अनाउंस की गई हैं जो कि इनके डिफरेंट सब कैंपसेस में हैं। सबसे पहली जो जॉब्स हैं ये हैं सब कैंपस खुशाब में। पहली पोस्ट है कंप्यूटर असिस्टेंट की, आप स्किल्ड होने चाहिए। दो पोस्ट हैं इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ। टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कंप्यूटर का कोई ना कोई। नेक्स्ट मूव करें तो सब इंजीनियर मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट हैं। चार पोस्ट हैं टोटल ये। इसके लिए भी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 3 पर हमारे पास है लाइफ स्टॉक असिस्टेंट की पोस्ट। एक ही पोस्ट है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 ईयर लाइफ स्टॉक असिस्टेंट की डिग्री साथ होनी चाहिए डिप्लोमा। नंबर 4 पर जो पोस्ट है वो है स्टोर कीपर की। एक ही पोस्ट है, इंटरमीडिएट और सेक के इक्विवेलेंट आपके पास अपनी डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट मूव करें तो 5th नंबर पर जो पोस्ट है वो है डिस्पेंसर की। एक ही पोस्ट है, इसके लिए भी आपके पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए डिस्पेंसर का। नेक्स्ट मूव करें तो हेल्पर की पोस्ट है, अनस्किल्ड भी चलेगा, और 5 पोस्ट हैं और पढ़ना लिखना आना चाहिए। मेन कैंपस की जॉब्स की बात करें तो टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब है, स्किल्ड होना चाहिए, 2 पोस्ट हैं, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए मतलब इंटरमीडिएट का। नेक्स्ट मूव करें तो हेल्पर की पोस्ट है, 5 पोस्ट हैं टोटल और पढ़ना लिखना आना चाहिए। इसी तरह स्वीपर की पोस्ट है, 5 पोस्ट हैं टोटल, वैकेंसीज हैं टोटल और पढ़ना लिखना आना चाहिए। कहते हैं हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखनी है, टेस्टेड कॉपी लगानी है डिग्री की, CNIC की, आईडी कार्ड की मतलब, और पासपोर्ट साइज तस्वीरें लगा के, अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स लगा के रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी को 1 जून तक आपने ये भेजनी है हार्ड फॉर्म में। ठीक है व्यूअर्स, बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके जाके भी आप खुद भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई भी कर दूंगा। ऑलराइट व्यूअर्स, ये तो थी जॉब जो कि अनाउंस की गई थी पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की तरफ से। उम्मीद है आपको इसके बारे में सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं खुद भी ऑनलाइन जाकर पढ़ना और अप्लाई करना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके जाके आप खुद भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी कमेंट या क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी राय हो चैनल या वीडियो के बारे में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो रेड आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको डेली आने वाली इस तरह की लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले मिल जाया करें। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।